चालू है गलत चले, किसके परमिशन से चालू है ये? नहीं नहीं घर में, ये कैसे क्या घर में चालू? वीडियो के अंदर बहुत अहम खबरें हैं। मुसलमानों से मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि सबसे पहले बता दूं कि जमशेद झारखंड के अंदर गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ अपनी मुस्लिम बहनों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। काफी हजारों की संख्या में वहां पर मुस्लिम औरतें उतरी हैं और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से पूरा झारखंड को गूंज के रख दिया है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी सबसे अहम बड़ी खबर क्या है इसमें कि आखिरकार जो मुस्लिम बहनें, 8 से 10 मुस्लिम बहनें अपने घर के अंदर कुरान शरीफ पढ़ रही थी, जैसे ही वहां पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो कुछ दंगाई उस जगह पर पहुंचते हैं, उस घर में पहुंचते हैं वीडियो बनाते हुए और उनसे क्या कहते हैं कि तुम यहां पर तुमने इजाजत किससे ली, आखिर कुरान शरीफ यहां पर तुम न पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों में जाकर पढ़ो। अच्छा, इन दंगाइयों से अब हमें इजाजत लेनी होगी कि हम घर में भी कुरान शरीफ की तिलावत करें या ना करें। अब इनसे इजाजत लेके हमें नमाजें पढ़नी होंगी, हमें कुरान शरीफ की तिलावतें करनी होंगी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, तफसील से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं वीडियो दिखा दूं कि जिसमें मुस्लिम बहनों ने प्रोटेस्ट किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह वीडियो दिखा दूं कि जिसके अंदर जो है क्या कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, लेकिन उनको आरएसएस के दलों ने वहां पर जाकर क्या कहा, तुम यहां पे नहीं पढ़ सकती। पहले आप इस वीडियो को देखें। इसके परमिशन से चालू किया हम लोग घर में नहीं। बंद करो, बजरंग दल वाले भी आएंगे, लफड़ा होगा। आपको सूचित करने को आया है, बोले इधर ये सब मत करो, मदरसा विदरसा यहाँ पे आप लोगों का जो चालू है गलत चले, किसके परमिशन से चालू है ये? नहीं नहीं घर में, ये कैसे क्या घर में चालू है? नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आप लोग क्लास के नाम पे ये कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। यहाँ पे आए हो कमाने के लिए, आए हो तो कमाओ, खाओ, जाओ, बंद कर दो तुरंत। चलो बच्चे लोग उठो, आज के बाद में ये सब यहाँ पे नहीं मांगता है। अगर ये सब कुछ हुआ उसके बाद में फिर बोलना मत कुछ, अगर अलग ये सब चीजें करने के लिए आप लोग आए हैं क्या? मस्जिद में जाके उन लोग नमाज पढ़ेंगे ना, तुम लोग इधर का ये पढ़ा रहे हो? मस्जिद है ना उधर, इधर एरिया में नहीं बोला, हम लोग का ये होता है। जो आप लोगों का ये चालू है ये अभी के अभी ये सब बोल लो, पढ़ाई के नाम पे, क्लासेस के नाम पे जो चालू है, ये कहाँ पे क्लासेस है? किधर किताब है किसी के पास? किधर रख दिया? दिखाओ जरा किताब मेरे को, किताब दिखाओ। क्लासेस के नाम पे जो चालू है, ए बच्चे धर्म का अलग पार्ट मत पढ़ाओ बच्चों को, वापिस कोई आना मत। किताब नहीं पढ़ा रहे थे, ये मत ये करने को लगा, मानता इधर चलेगा नहीं। नहीं बंद कर दो ये। पहले भी कुछ लोगों ने आपको पूछा क्लासेस चालू है करके, बोले करके हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। ये चुपके से या कुछ ये करके ये जो कुछ चालू है ये नहीं चलेगा यहाँ पे। धर्म में बिन मतलब का ये मत बांटो। बंद इधर ये एरिया में लोगों ने देखा जहां पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और उस घर में जाकर क्या कहते हैं कि तुम यहां पर ना करो, अगर बाद में और भी बजरंग दल वाले यहां पर आ गए तो फिर ये मत कहना कि तुम क्या कर रहे हो। आखिरकार ये लोग मना कर रहे हैं उन बच्चों को पढ़ने से, जब एक औरत है घर में बच्चों को पढ़ा रही है तो आखिर उनको मना किया जा रहा है। अब बताइए अगर ऐसे ही कुछ मुसलमान युवक अगर मंदिर के बाहर या हिंदुओं के घर पर जाकर कहते हैं कि तुम यहां पर रामायण नहीं पढ़ सकते तो उन पर फौरन से एक्शन लेकर उनको जेल में डाल दिया जाता। खैर क्या ही कह सकते हैं, आप लोगों तक मैंने ये वीडियो पहुंचाई है, आप लोग इसको दबा के शेयर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो कि उसकी वीडियो दिखा दूं जो कि झारखंड जमशेदपुर में मुस्लिम बहनों ने प्रोटेस्ट किया है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को भी देखें। आप लोगों ने वीडियो, हालांकि अभी तक गुस्ताखे रसूल को हिरासत में तो ले रखा है लेकिन अभी तक उसकी तरफ से पुलिस की तरफ से नहीं तो कोई अपडेट यह आई है कि उसके खिलाफ ये मुकदमे लगाए गए हैं, ये काम उसके खिलाफ किया गया है, इसको वहां पर रखा गया है। हो सकता है उसको सेफ्टी रूम के अंदर भी रखा गया हो, हम इसमें क्या ही कह सकते हैं।
लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने यार ये वीडियो देखी है शुरू की, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि मुस्लिम बच्चियां मुस्लिम बच्चे वहां पर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बजरंग दल वाले वहां पर पहुंचते हैं और उनको पढ़ने से मना करते हैं और उस औरत से उस मौलाना से वहां पर कहते हैं कि तुम यहां पर नहीं पढ़ा सकते, आखिर तुम यहां पर क्लासेस के नाम पर बच्चों को पढ़ा रहे हो। अरे फिर हम क्या करें? आपको पता है मुस्लिम बच्चे हैं, अरे हमारे घर में ही अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और आप लोगों से क्या हमें इजाजत लेगी होगी, आप जैसे नल्लों से, गंदी नाली के कीड़ों से जिस तरह से उठ उठ कर आप लोग आ रहे हैं, इन गोबर भक्तों से हमें आज इजाजत लेनी पड़ेगी जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है? आखिरकार ये गर्मा गर्म उसको रोटियों में लपेट कर खाते हैं। खैर मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता इस वीडियो के अंदर, बस यही है कि जिस तरह से ये लोग वहां पर पहुंचे हैं घर पे, अगर इसी तरह से जो मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं इसी तरह से खामोश रहकर इसी तरह से देखते रहे सुनते रहे, तो आगे चलकर पता नहीं ये हमारे घर में भी अगर कोई सब्जी ला रहा है तो उसको भी ये पूछेंगे तुम इस सब्जी को ना लेकर जाओ, आज तुम ये सब्जी बनाओ। इसी के हुक्म से हमें सारा काम करना होगा। खैर मुसलमानों की गैरत हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करें जितना आपके पास में शेयर किया जाए। आप लोग अपने ताल्लुक से कमेंट सेक्शन में क्या राय देना चाहते हैं ज़रूर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।